नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नरेश में। प्रेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। ठीक है, आज देखेंगे हम 12th का चैप्टर नंबर जो 13 है, उसमें कुछ पार्ट मैंने करा दिया था पहले, बहुत दिनों होने के बाद आज मैं वीडियो दोबारा से डाल रहा हूँ। तो इसमें देखेंगे हम प्रकाश विद्युत प्रभाव का सचित्र वर्णन की, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देख रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का सचित्र वर्णन, और अब वीडियो लगातार आते रहेंगे। कुछ परिस्थितियों के कारण हम वीडियो में रुकावट हुई, तो नेक्स्ट वीडियो को आप लगातार देखते जाएं। तो देखिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है कि एक वैज्ञानिक था लेनार्ड। कौन सा वैज्ञानिक? लेनार्ड, और दूसरा था हॉलक्यूवेस। इन्होंने इस प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक सचित्र वर्णन किया। इन्होंने बताया कि इसमें क्या होती है, एक क्वार्ट्ज की या कांच की निर्वात नलिका ली गई। ये क्वार्ट्ज या इसकी कांच की क्या है, एक निर्वात नलिका। इसमें दस्ते के दो, एक लगाया कैथोड सी और एक लगाया एनोड ए। ठीक है, यहाँ ये आपका कैथोड है और ये आपका एनोड है। ठीक है, यहाँ इसके बाद इसमें यहाँ पर एक विंडो लगाई गई, ये आपकी विंडो है। ठीक है, ये विंडो क्या कार्य करती है कि यहाँ से इस विंडो के थ्रू क्या आता है, प्रकाश आता है, और वो किस पर आपतित होता है, कैथोड सी पर आपतित होता है। इसके बाद यहाँ से इसे एनोड तथा कैथोड को दिग परिवर्तक की सहायता से जोड़ा गया। दिग परिवर्तक का मतलब होता है कि जो दिशा भी चेंज करे, यानी कैथोड और इसकी एनोड की दिशा बदलने के लिए, यानी कैथोड पर नेगेटिव होता है, एनोड पर क्या होता है आपका, पॉजिटिव होता है। इसकी दिशा बदलने के लिए दिग परिवर्तक लगाए गए। इसके बाद यहाँ से इसे एक माइक्रो एमीटर जो श्रेणी क्रम में लगा दिया गया, और एक वोल्टमीटर जो समांतर क्रम में लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ से लगाने के बाद इसको एक विभव विभाजक की से जोड़ा गया। ये आपका विभव विभाजक आ गया, यहाँ से इसको ये जोड़ा गया है। ठीक है, और नीचे ये क्या आ गई, आपकी बैटरी। देखिए समझे, ये आपकी क्वार्ट्ज की या निर्वात कांच की नलिका होती है। इसमें दो होते, एक तो होता है आपका कैथोड और दूसरा होता है आपका एनोड। ठीक है, कैथोड पर इस विंडो के थ्रू किसको डाला जाता है, प्रकाश को डाला जाता है। ये आपका प्रकाश है, वो कैथोड पर आपतित होता है। जैसे ही ये कैथोड पर आपतित होता है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करते हैं। प्रकाश ऊर्जा ग्रहण करने के बाद किसकी ओर आवागमन, यानी ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऋणावेशित होते हैं, और ये एनोड क्या होता है आपका, धन विभव पर होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण विभव पर है, वो किसकी ओर गति करेंगे, आपके एनोड की तरफ गति करने लगते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉनों की गति एनोड की तरफ होती है, तो हम जानते हैं विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉनों के क्या होती है, विपरीत होती है। तो इसमें विद्युत धारा आई का क्या हो जाता है, चालन हो जाता है। और इसमें ये है आपका दिग परिवर्तक, ये क्या है आपका, दिग परिवर्तक, और जो ये लगाया हुआ ये है आपका विभव विभाजक। दिग परिवर्तक की सहायता से प्रारंभ में एनोड को धन विभव पर रखा जाता है और कैथोड को ऋण विभव पर रखा जाता है। ठीक है, तो यानी प्रारंभ में ये सुटेबल है। इसके बाद जब अपन को एनोड को ऋण विभव पर रखना होता है तथा कैथोड को धन विभव पर रखना होता है, तो दिग परिवर्तक की सहायता से इन पर ये चेंज दिशा चेंज कर सकते हैं। विभव विभाजक का कार्य होता है कि वोल्टेज को नियंत्रित करना, यानी जो भी विभव अपन लगा रहे हैं उसको क्या करना है, यहाँ से नियंत्रित करना है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसके द्वारा यहाँ एमीटर के द्वारा धारा जो भी प्रवाह, भाई देखो प्रकाश आ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनों का आवागमन जब कैथोड से एनोड की तरफ हो रहा है, अर्थात आवेश का आवागमन हो रहा है, जा रहा है आवेश, आवेश की गति के कारण क्या प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा। तो देखिए, प्रकाश के द्वारा विद्युत धारा का चालन होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये है आपका प्रभाव। अब इस पर कौन सा, यानी तीव्रता हुई, आवृत्ति हुई, इनका इफेक्ट हम देखेंगे। एक बार फिर से दोबारा समझ लीजिए इसको कि वैज्ञानिक लेनार्ड और हॉलवेस ने इनके बारे में प्रायोगिक प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि एक जब निर्वात कांच की नलिका होती है, और इसको एक तारे पर, यानी गवाक्ष बोल दें या विंडो बोल दें, वो विंडो के द्वारा प्रकाश को क्या किया गया, आपतित किया गया। और ये तो मैं पहले बता दिया आपको कि जो भी प्रकाश होगा उसकी आवृत्ति देहली आवृत्ति से क्या होगी, अधिक होगी। देहली आवृत्ति का मतलब क्या है कि ये जो प्रकाश डाला जाएगा वो कैथोड से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन आसानी से करा देगा।
तो यहाँ से जैसे ही विंडो से प्रकाश आएगा कैथोड पर आपतित होगा, कैथोड से क्या उत्सर्जित होंगे, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, वो एनोड क्या है, धन विभव पर है, तो ये एनोड की तरफ गति करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की गति बोले या आवेशों की गति। और हम जानते हैं आवेशों की गति के कारण क्या प्रवाहित होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। और इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए इस दिशा में जा रहे हैं तो विद्युत धारा इनके विपरीत प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा ये आई का प्रवाह हो जाएगा। किसके द्वारा, प्रकाश के द्वारा। विद्युत धारा का चालन ही प्रकाश विद्युत प्रवाह कहलाता है। इसके बाद ये क्या है, दिग परिवर्तक। दिग परिवर्तक की सहायता से किसको क्या चेंज किया जाता है, कि जो एनोड है वो पहले धन विभव पर रखा गया, कैथोड आपने ऋण विभव पर रखा। अगर इनकी यानी ये ध्रुवता चेंज करनी है, एनोड यानी कि ऋण और धन आपस में चेंज करने हैं, तो दिग परिवर्तक काम में लेंगे। नेक्स्ट है आपका विभव विभाजक। विभव विभाजक का कार्य करता है आपका कि वोल्टेज के मान को कम और ज़्यादा करने का कार्य करता है। ये आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव है, प्रकाश के द्वारा विद्युत धारा का चालन, प्रकाश विद्युत प्रभाव। लेनार्ड में हॉलवेस ने बताया क्वार्ट्ज काल के ये कांच की नलिका होती है, ये विंडो होती है, प्रकाश आता है, आवेश गमन करता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। एक दिग परिवर्तक है, ये वोल्टमीटर है, और ये क्या है आपका माइक्रो एमीटर है विद्युत धारा का मापने के लिए। नेक्स्ट देखिए, इन पर जो यानी प्रभाव क्या करते हैं, इफेक्ट डालते हैं, उनका अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला इफेक्ट है आपका प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव। तो देखिए ये है, मान लीजिए अपन देख रहे थे कि कैथोड पर क्या आपतित हो रहा था, प्रकाश आपतित हो रहा था। इसकी अगर मान लीजिए इंटेंसिटी यानी तीव्रता क्या होगी, अधिक होगी। प्रारंभ में अपन ने क्या देखा था कि कैथोड पर क्या था, ऋण विभव, एनोड पर क्या था, धन विभव। तो हमने देखा था कि धारा का प्रभाव होने लगता है, ठीक है, धारा का प्रवाह होगा। अब अपन को देखना है कि प्रकाश की तीव्रता का अध्ययन कैसे, यानी प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो यानी इंटेंसिटी बढ़ेगी। तो कैथोड पर जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा, और जब कैथोड पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ेगा तो यानी कैथोड से इलेक्ट्रॉन तेजी से कहाँ, किसकी ओर गमन करेंगे, एनोड की ओर गमन करेंगे। और जितना आवेश का गमन होगा, जितनी तेजी इंटेंसिटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ने से क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड की तरफ गति करेंगे। जितने तेजी से गमन होगा वैसे ही विद्युत धारा का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो यानी इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन क्षमता बढ़ने के साथ साथ विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ने लगता है। तो देखेंगे अगर मान ये हमारे ग्राफ देखें, प्रकाश की तीव्रता और ये आप देखें विद्युत धारा, प्रकाश विद्युत धारा। तो यानी जैसे जैसे तीव्रता बढ़ती जाती है वैसे वैसे विद्युत धारा का मान बढ़ता जाता है। कहने का मतलब जो तीव्रता है, क्या है तीव्रता, वो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के क्या होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों के समानुपाती होती है। इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ा, विद्युत धारा का मान बढ़ा, किसके कारण, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से। क्या हुआ, प्रकाश की इंटेंसिटी बढ़ने से, कैथोड से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का मान बढ़ने से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तेजी से एनोड की तरफ हुआ और विद्युत धारा का चालन बढ़ गया। तो इस कहने का मतलब ये है कि इस पर प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता किस प्रकार संबंधित है, दोनों समानुपाती होती है। क्या होती है, समानुपाती। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बढ़ता जाएगा और प्रकाश विद्युत धारा का मान बढ़ता जाएगा। ग्राफ की बात करें तो प्रकाश की तीव्रता और विद्युत धारा के मध्य एक सीधी रेखा आती है, यानी जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे तीव्रता का मान, उसका विद्युत धारा का मान बढ़ता जाएगा। देखिए दूसरा इफेक्ट है प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। तो दूसरे में क्या देखेंगे कि वोल्टेज का प्रभाव किस प्रकार होता है, कि प्रारंभ में एनोड किस विभव पर होता है, धन विभव पर। कैथोड किस पर होता है, ऋण विभव पर। तो हमने देखा था कि धारा का मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, धारा प्रवाहित होने लगती है। और जैसे जैसे एनोड पर धन विभव, किसका मान, धन विभव का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाता है। ये भी देखा, जैसे जैसे मान लिया एनोड पर धन विभव का मान बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है जिस पर धारा का मान बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है, संतृप्त हो जाता है, यानी यहाँ से धारा का मान नियत हो जाता है। इसे कहते हैं संतृप्त धारा। क्या कहते हैं, संतृप्त धारा।
दूसरी कंडीशन की बात करें, ये तो संतृप्त धारा की हो गई। अगर मान लीजिए दिग परिवर्तक की सहायता से, किसकी सहायता से, दिग परिवर्तक की सहायता से एक एनोड को क्या दे दें, ऋण विभव दे दें, क्या दे दें, ऋण विभव, और कैथोड को दे दें आपको धन विभव पर। तो आपने देखा एनोड पर ऋण विभव आ गया, उल्टा हो गया, कैथोड पर क्या है, धन विभव। तो जैसे जैसे ऋण विभव का मान बढ़ाते जाएंगे, तो देखिए यहाँ से विद्युत धारा, पहले देखिए ये आपकी प्रवाहित हो रही थी, यहाँ से ये नियत हो गई थी, मान ली इसे कहते हैं अपन संतृप्त धारा, बढ़ के क्या हो गई, नियत हो गई, ये आपका विद्युत धारा है, ये आपका ये धन विभव और ये क्या है, ऋण विभव। जैसे जैसे ऋण विभव का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे धारा का मान यानी घटने लगता है, क्या होने लगता है, घटने लगता है, और एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर धारा का मान घटकर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। जो ये विभव है इस पोजीशन पर, ये जो ऋण विभव बोले इसे, ये ऋण विभव कहलाता है आपका निरोधी विभव, क्या कहलाता है, निरोधी विभव बोले या मंदक विभव बोले। परिभाषा आती है निरोधी विभव की, क्या होता है कि जब समझे, जब एनोड धना धन श्रेव से यानी धन विभव पर और कैथोड ऋण विभव पर होता है तो आसानी से धारा का प्रवाह होने लगता है, और जैसे जैसे धन विभव का मान बढ़ाते हैं तो विद्युत धारा का मान बढ़ने लगता है, लेकिन एक स्थिति के बाद विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, ये संतृप्त या नियत हो जाता है, इसे कौन सी धारा कहते हैं, संतृप्त धारा कहते हैं। लेकिन जब दिग परिवर्तक की सहायता से एनोड को ऋण विभव पर तथा कैथोड को धन विभव पर दिया जाता है तो अब उल्टा हो गया, तो जैसे जैसे ऋण विभव का मान बढ़ाएंगे तो विद्युत धारा का मान धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक स्थिति ऐसे आती है जिस पर धारा का मान घटकर कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है, यानी वह ऋण विभव जिस पर धारा का मान घटकर शून्य हो जाए उस विभव को अपन निरोधी विभव कहते हैं। और ध्यान रखें कि निरोधी विभव पर जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv² मैक्सिमम, वो किए गए कार्य के बराबर होती है, यानी निरोधी विभव द्वारा किया गया कार्य अधिकतम गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, यानी 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर, यानी किया गया कार्य W क्या होता है आपका, EV, यानी आवेश गुणा विभव क्या कहलाता है, कार्य। तो यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर बराबर EV0, या तो ये बोले ठीक है, वी नॉट क्या है आपका, आपका निरोधी विभव बोल सकते हैं। तो ये है आपका प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रयोग। सीधा सीधा ये है कि प्रारंभ में जब सामान्य अवस्था में एनोड पॉजिटिव पर कैथोड नेगेटिव पर धारा प्रवाहित होने लगती है, जब धनावेश का यानी इस पर धन विभव बढ़ाते हैं तो धारा का मान बढ़ते एक मान नियत मान हो जाता है जिसे संतृप्त धारा कहते हैं। दिग परिवर्तक की सहायता से पोलरिटी यानी ध्रुवता चेंज करने पर A नेगेटिव और C पॉजिटिव यानी एनोड ऋण विभव पर कैथोड धन विभव करने पर क्या होता है, धीरे धीरे धारा का मान कम होने लगता है, और धारा का मान कम होते होते एक बिंदु पर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसे निरोधी विभव कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका निरोधी विभव यानी विभव। लास्ट पॉइंट है आपका प्रकाश विद्युत धारा पर आवर्ती का प्रभाव। तो देखिए इसमें कि जब मान लीजिए एनोड किस पर, धन पर, धन विभव पर तथा कैथोड ऋण विभव पर होता है, किस पर होता है, ऋण विभव पर, तो यानी एक नियत तीव्रता का प्रकाश आपतित करने पर, नियत तीव्रता का प्रकाश आपतित करने पर धारा का मान यानी संतृप्त धारा प्रवाहित होती है। लेकिन अगर मान लीजिए आवर्ती बढ़ाते हैं, क्या बढ़ाते हैं, आवर्ती बढ़ाते हैं, तो धारा का मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब प्रकाश विद्युत धारा का आवर्ती से कोई भी संबंध नहीं होता। लेकिन क्या होता है कि धारा का मान नहीं बढ़ता, लेकिन निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है, निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है। तो आप एक लाइन में याद रखें इसको कि जो मान लीजिए अपन यहाँ से प्रकाश की आवर्ती किसके समानुपाती होती है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा समानुपाती निरोधी विभव, ये होती है।
ठीक है। तो देख लीजिए फिर से समझे कि अगर मान लीजिए एक नियत तीव्रता का प्रकाश डाला जाएगा, तीव्रता में कोई भी फर्क नहीं किया जाए, तो एक नियत धारा प्राप्त होती है। जब एनोड किस पर? धन विभव पर, कैथोड ऋण विभव पर होता है। तो यानी आवर्ती का विद्युत धारा से कोई भी संबंध नहीं होता, परंतु जब आवर्ती का मान बढ़ाया जाएगा तो इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है। किसका मान बढ़ता है? गतिज ऊर्जा का, ना कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। जब गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता है तो यहाँ से ध्यान रखना कि निरोधी विभव बढ़ेगा। निरोधी विभव बढ़ने से क्या, किस किसकी बढ़ने पर? प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर निरोधी विभव बढ़ता है, क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। ठीक है, और वो तो मैंने पहले ही बता दिया कि एक डेली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति तो होनी चाहिए, डेली आवृत्ति से नीचे प्रकाश विद्युत प्रभाव जनरेट नहीं होता। ठीक है, ये है आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव की पूरी व्याख्या। फिर नेक्स्ट मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।